हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी नॉलेज हेल्प में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान सपने में बच्चों को देखने का क्या अर्थ होता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कर देना, ताकि प्रेगनेंसी से जुड़ी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें ज़्यादा सपने आते हैं। वही यदि स्वप्न शास्त्र की माने तो हर सपने का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। दोस्तों, अगर आपने गर्भावस्था के दौरान छोटे बच्चों को देखा है तो पहले आप उसे अपने सपने को पहले अच्छे से याद करें कि आपने बच्चे को क्या करते देखा है, किस स्थिति में देखा है, यह उस बात पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे बच्चे पसंद ना हो। बच्चे सभी को पसंद होते हैं। जब हमारे घर में एक नन्ना सा मेहमान आता है तब हमारी खुशी 10 गुना तक बढ़ जाती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब एक गर्भवती महिला सपने में छोटे बच्चों को देखती है तो यह सपने उसके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, यदि आपको गर्भावस्था में सपने में बच्चा दिखाई देता है लेकिन यह नहीं दिखाई देता कि बच्चा क्या कर रहा है और दिखने में कैसा है, तो यह सपना आपके लिए शुभ संकेत लेकर आता है। गर्भावस्था के दौरान आने वाले समय में आपके भविष्य में मधुरता और सकारात्मक परिवर्तन आने के संकेत देता है। आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी दूर होगी और जल्द ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में या प्रेगनेंसी के दौरान सपने में छोटे बच्चे देखने के कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने छोटे बच्चों को कैसे देखा है। तो आप भी, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको भी सपने में बच्चे दिखाई देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने बच्चे को कैसी स्थिति में देखा है, खेलते हुए देखा या फिर रोते हुए देखा है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।